भी कर रहे थे। क्षतिपूर्ति पोर्टल पर जो शर्त थी, जिसके खिलाफ किसानों में थोड़ा सा आक्रोश था, उस शर्त को हटा दिया गया है किसानों की समस्या को ध्यान में रखते हुए। तो क्षतिपूर्ति पोर्टल से जो जानकारी है वो डाल सकते हैं किसान, जितना नुकसान हुआ ये इनको अपलोड करना होगा और फिर उसके आधार पर गिरदावरी करवाकर किसानों को मुआवजा भी दिया जाएगा। और पिछले हफ्ते जो बारिश हुई और उसके साथ ओलावृष्टि हुई है, उससे किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि ओलावृष्टि के चलते जो फसल है, गेहूं की फसल, उसको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। और फिलहाल 5 एकड़ तक खराब फसल वाली जो शर्त है वो सरकार ने पोर्टल से हटा दी है। 15 मार्च तक जानकारी अपलोड ये किसानों को करनी होगी। और कई दिनों से ओलावृष्टि से भारी नुकसान किसानों को जो हुआ है, लगातार मुआवजे की मांग किसान कर रहे हैं, लेकिन अब सरकार की तरफ से ये कहा गया है, क्योंकि जो क्षतिपूर्ति पोर्टल है उसमें अपलोड करनी होती है जानकारी, उसके बाद अधिकारी पहुंचते हैं, खेतों का सर्वे किया जाता है, गिरदावरी की जाती है और उसी के आधार पर किसानों को मुआवजा दिया जाता है। लेकिन किसान नाराज चल रहे थे, जो एक शर्त इस पोर्टल में थी उस शर्त को भी हटा दिया गया है किसानों की समस्या को ध्यान में रखते हुए। तो क्षतिपूर्ति पोर्टल से जानकारी जो है वो दे सकते हैं किसान, और जो शर्त इसमें थी वो हटा दी गई है। 5 एकड़ तक खराब फसल वाली जो शर्त थी, अब 15 मार्च तक का ये टाइम है, 15 मार्च तक जो किसान है वो अपनी कृषि से संबंधित जो समस्या है, जो नुकसान हुआ है, वो उनको अपलोड करना होगा, उसके बाद ही किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ संवाददाता पवन सिमर इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, किसानों के लिए ये राहत भरी खबर है, क्योंकि जिस शर्त का किसान भी विरोध कर रहे थे क्षतिपूर्ति पोर्टल से, उस शर्त को हटा दिया गया है। एक टाइम पीरियड ये दिया गया है, 15 मार्च तक अपलोड करना होगा जितना भी नुकसान हुआ। पवन, आपको मेरी बात मिल पा रही है? जी पवन, ये राहत भरी खबर भी है किसानों के लिए, जो शर्त थी जिसका किसान विरोध कर रहे थे क्षतिपूर्ति पोर्टल से, शर्त को हटा दिया गया है और 15 मार्च तक का ये टाइम दिया गया है कि जो समस्या है किसानों की फसलों संबंधित, वो अपलोड उनको करनी होगी। बिल्कुल, क्षतिपूर्ति पोर्टल को लेकर एक बड़ी राहत किसानों को सरकार ने दी है। दरअसल बीते दिनों प्रदेश में जो बारिश और ओलावृष्टि से फसलें खराब हुई है, उसके नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपनी खराब फसल का ब्यौरा जो है वो अपलोड करना था, लेकिन इसमें 5 एकड़ तक की शर्त लगा दी गई थी। इसी के चलते किसान इसका विरोध कर रहे थे। कई किसान संगठनों ने सरकार को 5 एकड़ तक की शर्त हटाने की मांग की थी। इसके बाद अब सरकार ने 5 एकड़ तक की जो शर्त है वो हटा दी है, और इसके साथ ही इसमें अब समय सीमा जो है वो 15 मार्च कर दी है। यानी 15 मार्च तक जो किसान अपनी फसल खराब हुई है उसका ब्यौरा क्षतिपूर्ति पोर्टल पर डाल सकेंगे। जी बिल्कुल पवन, किसान जो है उनके लिए राहत भरी ये खबर है, जो शर्त थी वो हटा दी गई है, लेकिन जो 15 मार्च की डेडलाइन दी गई है, क्या इसको आगे एक्सटेंड किया जा सकता है किसानों की समस्या को ध्यान में रखते हुए? देखिए, अभी जो है वो फसल, चाहे वो सरसों की फसल है या गेहूं की फसल है, उसमें अब बहुत ज्यादा जो है वो समय नहीं है, लिहाजा ये 15 मार्च तक किसान अपनी जो फसल की खराबी की जानकारी है वो अपलोड कर देंगे और जरूरत नहीं पड़ेगी इस डेट को आगे बढ़ाने की। लेकिन अगर इस तरह की समस्या सामने आती है तो उसके बाद सरकार इस पर विचार करेगी कि अगला फैसला क्या हो। लेकिन फिलहाल किसानों के लिए बड़ी राहत ये सरकार ने दी है कि जो 5 एकड़ तक की फसल की कैप एक तरीके से लगा दी गई थी कि अपना जो नुकसान है वो 5 एकड़ तक का ही ब्यौरा किसान डाल सकेगा, अब उसको हटा दिया गया है। यानी अब किसान अपनी जितनी भी उसकी फसल खराब हुई है उसकी पूरी जानकारी क्षतिपूर्ति पोर्टल पर डाल सकेगी। जी पवन, एक और आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, जिस शर्त को हटाया गया है, क्या ये परमानेंटली हटा दी गई है या फिर जो अभी रिफॉर्म किया गया है, क्योंकि किसान नाराज चल रहे थे, भारी नुकसान उनको हुआ है, ये फ्लेक्सिबिलिटी इसी को देखकर ये दी गई है या फिर ये परमानेंट हटा दी गई है? हाँ देखिए, ये जो क्षतिपूर्ति पोर्टल पर खराबे की जानकारी अपलोड करने की 5 एकड़ तक की शर्त है, ये परमानेंट या हर बार पे इस तरह का नुकसान हो और उसमें हटाया गया ऐसा नहीं है। फिलहाल इस बार जो अभी हाल ही में बारिश और ओलावृष्टि हुई है, उस बारिश और ओलावृष्टि से जो फसल खराब हुई है, इस फसल के लिए ही ये जो है वो मान्य होगी, क्योंकि हर बार क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अलग अलग तरीके से सरकार जो है वो कृषि विभाग फैसला करता है, और ऐसे में फिलहाल जो खराबा है उसकी जानकारी के लिए जो 5 एकड़ तक की शर्त थी उसको हटाया गया है, और समय सीमा इसकी आवेदन करने की 15 मार्च की गई है। ठीक है, चलिए पवन, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो राहत भरी खबर ये किसानों के लिए है, जो शर्त थी वो हटा दी गई है क्षतिपूर्ति पोर्टल से, जो जानकारी से जुड़ी जो शर्त थी, और अब ये 15 मार्च तक का टाइम है, किसानों को जितना भी नुकसान
ये हुआ है ओलावृष्टि से, बारिश से, उनको अपलोड करना होगा, उसके बाद गिरदावरी करवाकर किसानों को उनकी नुकसान हुई फसल का मुआवजा भी दिया जाएगा।